तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत अच्छी होगी। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और पिछले मेरे कई टाइम से, मतलब वीक से एक समथिंग 1 वीक हो गया, मैंने अपने चैनल को कुछ भी अपलोड नहीं करा है। तो चलो आज चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। एंड थैंक यू सो मच पहले वाले ब्लॉग भी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। मुझे वर्ड बोलना नहीं आता, कंसिस्टेंसी समथिंग ईजी है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड जो मुझे बोलने नहीं आते। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखता हूँ। अलार्म मेरा, सो अभी मॉर्निंग का व्यू बहुत अच्छा हो रहा है। देखो बारिश भी कम है, दिख रहा होगा आपको बारिश भी कम है। तो चलो फ्रेश होकर मैं आता हूँ, फिर अपन चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। एंड बहुत सारी बातें करेंगे, पर पहले फ्रेश होकर आता हूँ, फिर उसके बाद ठीक है। तब तक मैं मोबाइल चार्जिंग, हाँ चार्जिंग भी है लेकिन कर देता हूँ, बिकॉज दिन भर तो टाइम निकल जाता है, साइड से काम करते करते थक जाता हूँ, फिर आने को डायरेक्ट सोने को मन ही करता है मेरा, फिर उठने को मन, मतलब कुछ कर कहीं जाने का मन भी नहीं। थोड़ा आता हूँ, 1-1.5 घंटा पढ़ाई करता हूँ, फिर डायरेक्ट सो जाता हूँ। फिर कॉल वॉल आते हैं फैमिली के, उन लोगों से बात करते 12 इतना कुछ टाइम हो ही जाता। तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं ब्लॉग को एडिटिंग करूँ या कुछ सोचूँ ब्लॉग के लिए या कुछ करूँ, तो इतना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं टाइम निकालना पड़ेगा मुझे इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद चलते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। चलो अपन रेडी हो चुके हैं और अभी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, उसके बाद अच्छा सा व्यू दिखाते हैं मॉर्निंग वॉक वाला। वैसे ऑफिस तो कल रात को काफ़ी लेट सोया था मैं, तो इसलिए नींद जल्दी नहीं उठ पाई, थोड़ा लेट ही उठा हूँ, लेकिन अभी भी बस 1 घंटा है ऑफिस से पहले के लिए। तो चलो चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। चुके हैं अपन यहाँ पर, आज तो नदी का पानी कुछ ज़्यादा ही फुलफिल हो गया है। और मेन मजे की बात पता है क्या है, यह है कि पहले जो वीडियोस थे, जो पहले के आपने देखे होंगे वीडियोस, मैंने जो काफ़ी सारे वीडियोस थे जिस पे काफ़ी सारे अच्छे व्यूज़ भी थे, वो मैंने डिलीट कर दिए कॉपीराइट की वजह से, या ऐसे बोलो क्योंकि मतलब ठीक थे, लेकिन मैंने फिर ये डिसाइड किया कि चलो वो सारे कंटेंट को हटा के, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी स्क्रिप्टिंग और पता नहीं क्या क्या, स्क्रिप्टिंग एडिटिंग लोकेशन डिसाइड करना, तो मैंने वो ट्रैक ही चेंज कर लिया। मैंने कहा बेटर है कि व्लॉग में बहुत इजीली है, कुछ भी शूट करो एंड अपलोड कर दो। हाँ उसमें ये बात अलग थी कि मेहनत थी, व्यू भी अच्छे आते थे एज़ कम्पेयर टू व्लॉग, बट ठीक है व्लॉग में भी आएंगे धीरे धीरे, चैनल वापस से उस लाइन में आना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा उसका। देखो आज तो नदी में पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, हो फुल पानी है नदी में आज तो, बाबा फुल ज़्यादा पानी है। देखो आपको जूम करके दिखाऊं क्या मैं, चलो जूम करके दिखाता हूँ। देखो आज नदी में पानी फुल फिल, बिकॉज इसलिए वो आपको दिख रहा है ना, ब्लॉकेज नहीं किया उसको। एक्चुअली क्या है ना कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका ब्रिज है ऊपर, उसके जस्ट ऊपर, उससे भी ऊपर एक ब्रिज बनेगा बुलेट ट्रेन का, तो उसी के लिए देखो काम चल रहा होगा, उसके जस्ट पास में काफ़ी सारा मड हाँ डाल के रखा हुआ है, तो बस उसी की तो काम चल रहा है। वैसे आपको बता दूँ मैं भी उसी प्रोजेक्ट के अंदर हूँ वो हमारा जो सेक्शन है, मतलब है भी ये भी हम ही इसी के अंदर है, लेकिन हाँ हमें
स्टेशन के अंदर में, और ये है सेक्शन, ये ब्रिज का चल रहा है, ये भी हमारे अंडर के अंदर ही, लेकिन ठीक है चलो चल रहा है तो चल रहा है। सो तो ये चीज़ें सारी यादगार रहेगी जब ये सारा प्रोजेक्ट बन के रेडी सब कुछ हो जाएगा। सो तो देखो पानी कितना, अभी एक्चुअली यहाँ तक पानी होता है बट अभी है नहीं, देखो दिखाता हूँ। ओ माय गॉड सीरियसली इज गुड व्यू, देखो व्यू देखोगे। पानी कितना तेजी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, चलो यहाँ बैठते हैं। तुम्हें पता है प्रीवियस यहाँ से देखो व्यू बहुत अच्छा दिखता है, व्यू दिखाता है कितना, ये मैं आया हूँ ये बैक साइड में, आपने शायद मुझे वहाँ पर कभी खड़े होते देखा होगा जब कुछ भी नहीं था यहाँ पर, अभी तो फिर भी काफ़ी सारा मट डाल के इसको ब्लॉकेज कर दिया, लेकिन पानी नहीं रुक पा रहा है आ रहा है क्योंकि वहाँ से पानी खोल दे गया साबरमती डैम से। बैक साइड देखो कितना तेज़ इसका फ्लोइंग दिख रहा है आपको, क्या काफ़ी तेज़ इसका बहाव। सो तो ठीक है अभी कब देखो कब तक, देखो दिख रहा होगा मट्टी वहाँ से पूरी काट दी, धीरे धीरे मट्टी सारी बह बह के गिरती जा रही है, लेकिन वहाँ तक तो ऑलमोस्ट काम चल रहा है, दिख रहा होगा आपको पाइलिंग वाइलिंग चल रही है, वहाँ तक पाइलिंग हो चुका है, अब यहाँ का प्रोसेस होगा तब, जब तक व्यू में जब तक बना नहीं देंगे तब तक उससे पहले तो हो नहीं पाएगा, सारा पानी फुल तेज फुल फ्लो से चल रहा है पानी, देख लो आप। चलो अब यहाँ बैठते हैं इस पेड़ के नीचे, देखो कितनी बड़ी मछली, देखो कितनी बड़ी मछली ऊपर आ गई है, डाल कर आएगा उस मछली को अंदर, मछली आ गई है उसके अंदर, देखो जा नहीं पा रही है। चलो एक काम करते हैं मछली को डाल कर आते हैं, चले या ना चले, कमाल किया है, गई 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 गई, और भी होगी इधर, चलो चल के आती है ना मछली, दिखाता हूँ आपको। मुझे ऐसा लगा कि मुझे, मैं जा ही रहा था नीचे उसको पानी में डालने के लिए, तब तक वो फिश जा चुकी थी, मतलब काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिशेज, मुझे अब तक ये नहीं पता चला ये बतख है या क्या है, एक तो दो टाइप के हंस है, एक ब्लैक हंस तो मुझे पता, चलो आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। वो देखो वो देखो वो देखो, वो हंस है या पता नहीं क्या है, जा चुके हैं अभी भी है तो आपकी आपको नेचर से वो चीज़ देखने को मिलती है जो आज से पहले आपने कभी देखी भी नहीं हो, मैंने भी नहीं देखी थी कसम से, ये चीज़ जो मुझे लगी अच्छी लगी मुझे, और ना बर्ड्स अलग मतलब अलग अलग तरीके का आपको जानवर देखने को मिलते हैं जब आप नदी के आसपास किनारे आते हो ना सुबह सुबह, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ना यहाँ एकदम शांत रहता है, नॉइस कम रहता है, दैट्स व्हाई जो होते अंदर के जो जानवर होते वो बाहर आते हैं। देखो अभी जैसे मुझे वो पता भी नहीं वो हंस है या बतख है, बट वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और वैसे भी रह सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है एज आ रिलेटेड टू नेचर। ये देखो सारी चीज़ें अच्छी है, देखो अंकल जी सुबह सुबह दाना डाल रहे पंछियों को मछलियों को, ये देखो ये रहा, ओह माय गॉड सीरियसली इज़ गुड गुड, ये अभी को राई देखो सारे पंछी इधर ही मिलेंगे, वो देखो उधर ही जा सब खाने के लिए वहीं पर जाएंगे। चलो चलते आगे मूव ऑन करते,
हाँ तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब देखो सब तो आते ही है लेकिन हाँ आना भी चाहिए, अकेले में रहना भी चाहिए। कभी कभी नेचर के साथ रहोगे तो आपको वो चीज़ें, नेचर आपको वो चीज़ आपको दिखाएगी जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। सब जाते हैं ना चिड़ियाघर जू के अंदर, तो वहाँ वो चीज़ें, उन चीज़ों को कैद किया जाता है, लेकिन जो नेचुरली जो चीज़ दिखती है वो अलग फील आता आपको कि हाँ मैंने ये कभी पहले देखा भी नहीं था। तो ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे, मतलब नेचर से सारी, नेचर से जितनी भी चीज़ें के हाथ जुड़ी हुई वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो ऊपर ट्रेन जा रही है, चलो आगे आगे चलते हैं। ये कोई शक नहीं, करी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी, लगे चेक नहीं, बड़े चेक नहीं, उत्ते आले नाले लाई बैठा यारी बैठा। ये कोई शक नहीं, चक करी चेक नहीं, चेक बीबा जट दिया चले सरदारी, लगे चेक नहीं, बड़े चेक नहीं, उत्ते आले नाले लाई बैठा यारी बैठा। रखी आँख नहीं, वेरी काख नहीं। चलो अब चलते हैं, ऑफिस पे जाने का टाइम हो गया। हाँ 20 मिनट है मेरे पास में, 5 मिनट मुझे जाने में लगेगी, बचेंगे 15 मिनट, 15 मिनट में मुझे रेडी भी होना है, ऑफिस भी पहुँचना है। सो लेट्स गो। कोई गाड़ी तो नहीं आ रही? आ रही है गाड़ी, लेट 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 नहीं हुआ एंड ठीक है, अच्छा लगा। वो क्या था, सो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। तो कर देना, टाइम मिले तो, ना मिले तब भी करना, मिले तब, मिले तब तो करना ही है सब्सक्राइब चैनल को। और थक गया तू, और इस संडे को अपन अच्छी सी जगह चलेंगे अच्छे से ब्लॉग शूट करने के लिए, तो उसके लिए मैं पहले से प्री प्लानिंग करके रखी हुई है, ठीक है। तो लेट्स गो, चलते हैं। आगे ऊपर ब्रिज पे, ठीक है। तो इसी तरीके के एंटरटेनमेंट वाले ब्लॉग देखने के लिए आपके छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय 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 बाय। वैसे ही मैंने ब्लॉग तो बहुत पहले ही एंड कर दिया था, तो एक बात बताने के लिए आया था मैं कि मैं लंबे बालों में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। अभी मैंने पिछली स्टोरी देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे बाल नहीं कटवाने चाहिए थे, तो अब से बाल नहीं कटवाऊंगा, थोड़े बाल लंबे करूंगा साइड साइड से यहाँ से, तो अच्छा लगता है। बस ये बात बताने के लिए आया था। बाकी थैंक यू सो मच, आपने मेरे ब्लॉग को देखा पूरा पूरा, आई लव यू टू मच, मुझे भी आप सबसे लव यू टू है, एंड मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। बाय, लव यू, लव यू, लव यू।